दोस्तों नमस्कार मैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आठवा वेतन आयोग 2026 में लागू होगा या नहीं होगा यदि लागू होगा तो कितनी सैलरी उसकी बढ़ेगी फॉर्मेशन ऑफ एट्थ पे कमीशन मैट्रिक्स लेवल वाइज हम यहाँ बात करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम उसका जारी हो चुका है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लेटर्स हैं का कुछ पार्ट ऑफ एट्थ पे कमीशन फॉर्मेशन का मैं यहाँ बात करने वाला हूँ तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और यदि वीडियो अच्छे लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें माय डियर फ्रेंड यदि आप मेरे साथ हमेशा बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पिछले पे कमीशंस रहे हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस रही हैं हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो शायद बहुत बेहतर होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान होगा डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन की बात यहाँ हो रही है रिकमेंडेशनस ऑफ वेरियस पे कमीशन ऑन द नीड फॉर कंटिन मशीनरी फॉर पे रिविज़न यानी जो हमारा सिस्टम है हमारे जो कर्मचारी हैं कर्मचारी जो होते हैं ना वो मशीनरी होते हैं गवर्नमेंट की और तो पे का रिविज़न थर्ड सी पी सी से सेवन सी पी सी तक कैसे कैसे हुआ पहले उसको जानते हैं थर्ड सीपीसी जब लागू हुआ था तो उसमें रिकमेंडेशंस फॉर क्रिएशन ऑफ अ स्टैंडिंग बॉडी ऑन पे एंड कैडर मैनेजमेंट की बात की गई थी यानी कि वहाँ रिकमेंडेशन्स दी गई थी कि एक स्टैंडिंग बॉडी क्रिएट की जाए जो पे एंड कैडर मैनेजमेंट के बारे में डिसाइड कर पाए फोर्थ पे कमीशन लागू हुआ उसमें बताया गया था उसकी रिकमेंडेशंस थी कि एक परमानेंट मशीनरी फॉर्म की जाए जो कि प्रोडिकल रिव्यूज़ ऑफ़ द पे अलाउंसेज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की प्रोडिकल रिव्यूज़ ऑफ़ द पे एंड अलाउंसेज और कंडीशन ऑफ सर्विस को जाँच करके उसकी रिपोर्ट देगा फिफ्थ पे कमीशन आया मैडियन तो फिफ्थ पे कमीशन में रिकमेंडेशन फॉर एनुअल पे रिविजन की बात की गई एंड परमानेंट पे कमीशन यानि कि फिफ्थ पे कमीशन में जो पे रिविज़न की बात की गई थी उस पे रिविज़न को बताया गया कि परमानेंट कर दिया जाए एक कमीशन को जो संवैधानिक तौर पे एक प्रोविज़न बना दिया जाए ताकि वो पे ऑटोमेटेड तरीके से रिवाइज होती रहे फिर सिक्स पे कमीशन आया और सिक्स पे कमीशन में एक्सेप्ट किया द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टेन ईयर बिटवीन टू पे कमीशन सिक्स पे कमीशन में बात की गई कि हर पे कमीशन के बीच दस साल का कैप होगा एट एटलीस्ट सेवन्थ पे कमीशन आया जिसमें रिकमेंडेशन दी गई थी पेरियोडिकल रिव्यू ऑफ पे मैट्रिक्स विदाउट वेटिंग फॉर लॉन्ग टेन ईयर क्या कहते हैं कि पे मैट्रिक्स को दस साल का इंतजार किए बिना पेरियोडिकली रिव्यू करना इसकी रिकमेंडेशन दी गई इन रिकमेंडेशन से आपको पता चलता है कि थर्ड पे कमीशन में एक स्टैंडिंग बॉडी बनाई गई थी जो पे एंड कैडर का मैनेजमेंट देखेगी फोर्थ पे कमीशन में एक परमानेंट रिकमेंडेशन फॉर्मिंग की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज उनकी सर्विस कंडीशन और पेरेडिकल रिव्यूज को देखने के बारे में फिफ्थ पे कमीशन में पे रिवीजन की बात की गई और उसको संवैधानिक प्रोविजन के रूप में मानने की बात की गई सिक्स पे कमीशन में रेगुलर इंटरवेल दस साल का रख दिया गया सेवन पे कमीशन में बोला कि दस साल से पहले इसका रिव्यू कर लिया जाए पे मैट्रिक्स के बारे में अब बात करते हैं एट पे कमीशन के न्यूज़ की तो ये एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा निकाला गया है 20 मार्च 2024 का ये लेटर है और ये एक इस एक ऑफिस मेमोरेंडम है इस ऑफिस मेमोरेंडम में बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ एटथ पे कमीशन रिगार्डिंग क्या कहता है ये लेटर द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू द फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ लेटर नंबर जो 26 फरवरी को एक लेटर भेजा गया है रिसीव फ्रॉम श्री आर वी रमेश जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबाउट टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन ये एक लेटर निकाला गया था इस लेटर के बारे में अब हम बात करेंगे और ये लेटर क्या कहता है उस लेटर के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ एट पे कमीशन की बात यहाँ पर की गई है तो दोस्तों जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पे कमीशन डी ओ पी एंड टी फॉरवर्ड आई आर टी एस ए मेमो टू मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस ये जो लेटर का रेफरेंस मैंने वहाँ दिया था उस लेटर को डी ओ पी टी ने क्या किया है फॉरवर्ड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू पे कमीशन हॉल्स पैरामाउंट्स इम्पोर्टेंस इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एसपेसली कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल पे कमीशंस आर इंस्ट्रूमेंटल इन असेसिंग द करंट सैलरी स्ट्रक्चर एवेल इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिकमेंडेशन रिविजन टू द इंश्योर फेयर एंड जस्ट कंपेन्सन फॉर एम्प्लॉयज कोई भी पे कमीशन जो लागू होता है ना दोस्त इसी लेटर की हम बात कर रहे थे इसी लेटर के रिगार्डिंग लेटर भेज दिया गया है अपने अंडर सेक्रेटरी एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा इसको भेजा गया है और ये लेटर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिल्कुल क्लियर सी जो है रिक्वेस्ट की गई है कि ये क्यों ज़रूरी है तो इससे एक बात तो क्लियर होती है माय डियर फ्रेंड कि आपका एट पे कमीशन लागू तो होना ही है उसकी फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इंटीमेशन दिया गया है इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट द्वारा और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिनको गेट पे कमीशन चाहिए वो भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आर टी आई डाल के जाने की कोशिश करें कि एट पे कमीशन का क्या चल रहा है या रिक्वेस्ट डालें कुछ भी करें और अपना स्टैंड लें कि हमें एट पे कमीशन चाहिए मैं आई होप आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे यदि ऐसा है तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए वीडियोज़ को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपका दोस्त एंड होस्ट Thank you for watching this video. Namaskar.